हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी, उसमें स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिसीज है वो है निमोनिया, और चलिए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि निमोनिया क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। निमोनिया इट इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और दिस इज ऑकर इन लंग्स एंड अल्वियोलाई। सो क्या होता है निमोनिया? निमोनिया एक ऐसी इंफ्लामेटरी कंडीशन है या तो इंफ्लामेटरी डिसीज है जिसका जनरली इफेक्ट हमारे लंग्स में और अल्वियोलाई के ऊपर होता है। ठीक है, ये कैसी इंफ्लामेटरी कंडीशन है जिसका इफेक्ट हमारे लंग्स में और बेसिकली अल्वियोलाई के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली निमोनिया किसके थ्रू होता है। इट इज कॉज्ड बाय होम। सो कॉजेस क्या है इसके? सो इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू वायरस, एंड इट कैन बी ऑल्सो कॉज ड्यू टू द सम फंजाई। सो फेमस बैक्टीरिया जिससे बेसिकली निमोनिया होता है वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इट कैन कॉज ड्यू टू सम वायरस लाइक अ इन्फ्लुएंजा वायरस, इट कैन कॉज ड्यू टू एडिनो वायरस, इट कैन कॉज ड्यू टू दी पैरा वायरस, इवन दो इट समटाइम इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन, इट कैन ऑल्सो कॉज ड्यू टू दी केमिकल बर्न्स एज वेल एज इट कैन कॉज ड्यू टू दी इंजुरी इन लंग्स। हाँ, अब आप ये देख लीजिए, निमोनिया कैन बी कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया। अ फेमस बैक्टीरिया विच कॉजेस निमोनिया इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सबसे ज्यादा अगर आप निमोनिया के 100 पेशेंट देखोगे तो उसमें आपको 80% जनरली निमोनिया के पेशेंट जो मिलेंगे वो होंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले। बट इट कैन ऑल्सो कॉज ड्यू टू द वायरस सच एज इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस एंड पैरा वायरस। समटाइम वेरी रेयर इट कैन ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम फंगल, and sometime it can also cause due to some chemical burns, it can also cause due to the injury in the lungs. So pneumonia ke jo basically reasons hai wo kafi sare zyada hote hain, reasons kafi zyada hai, lekin sabse zyada agar hum dekhe to ye bacterial infection hai streptococcus pneumonia se. So iske liye zyada tar books mein ise bacterial disease main focus kiya hota hai, aur jab bhi hum basically videos mein dekhte hain ke bacterial infection to bacterial disease mein typhoid aur pneumonia दोनों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि निमोनिया सबसे ज्यादा बैक्टीरिया से होते हैं। तो चलिए हम बेसिकली कुछ अलग अलग चीजें देखते हैं निमोनिया के बारे में, लाइक व्हाट आर साइन एंड सिम्टम्स। तो मैं सब चीजें लिखूंगा नहीं, आपको कुछ चीजें ऐसे ओरली बताऊंगा। सो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इन द निमोनिया इज, इन अ निमोनिया यू विल फील फीवर, इन अ निमोनिया यू विल फील लॉस ऑफ एपेटाइट, you will feel vomiting, joint pain, muscle pain. फिर से सुन लीजिए, in a pneumonia you will feel loss of appetite, मतलब भूख कम लगेगी आपको, in a pneumonia you will feel vomiting, joint pain, muscle pain, headache and very important shortness of breath. आपको बेसिकली श्वास लेने में, रेस्पिरेशन करने में काफी सारी दिक्कत जाएगी, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू लंग्स एंड alveoli. और एक इंडिकेशन होता है, मतलब साइन होता है निमोनिया का, दैट योर कफ विल टर्न इनटू येलो टू ग्रीनिश इन कलर, योर कफ विल टर्न इनटू येलो टू ग्रीनिश इन कलर। कभी कभी निमोनिया में रेडनेस भी आ जाती है कफ में, अगर ब्लड अगर कफ के साथ आ जाता है तो उससे रेडनेस बेसिकली कलर भी आ जाता है। सो मैक्सिमम योर कफ और फ्लेजम विल टर्न इनटू येलो टू ग्रीन इन कलर। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम?
कलर ऑफ कफ टर्न इनटू येलो टू ग्रीन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ साइन एंड सिम्टम है। अब हम ये देखते हैं कि हाउ यू विल कैन प्रिवेंट इट। प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन, वैक्सीनेशन, यस। पहले हम ये चीजें देख लेते हैं, पहले ट्रांसमिशन देखते हैं तो प्रिवेंशन इजी समझ में आ जाएगा। ट्रांसमिशन इन द सेंस निमोनिया कैसे फैलता है। निमोनिया जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग निमोनिया एंड इफ आई स्नीज फ्रंट ऑफ अ समवन विदाउट यू कैन से क्लोजिंग माई नोज एंड माउथ, यस, बाया यूजिंग आइदर हैंकी और नथिंग एल्स। अगर मैंने कोई मास्क नहीं पहना या तो मैं कोई रुमाल से अपने मुंह और नाक को नहीं बंद करता हूँ और मैं ओपनली स्नीज करता हूँ या तो कफिंग करता हूँ, तो मेरे मुंह में से निकलने वाले या तो नाक में से निकलने वाले कुछ ड्रॉपलेट जो होते हैं, लिक्विड पार्टिकल, वो लिक्विड पार्टिकल एयर में जाएंगे और अगर कोई और आसपास का बंदा इंस्पायरेट करेगा तो उसके अंदर अगर वो चले जाते तो मेरे बॉडी के बैक्टीरिया और वायरस उसके अंदर जा सकते हैं। सो इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यस। इवन दो कुछ निमोनिया के केसेस में से ऐसे भी पता चला इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया शेयरिंग क्लोथ एंड सम यूटेंसिल्स ऑल्सो, बट इट इज वेरी लेस। शेयरिंग क्लोथ एंड यूटेंसिल फ्रॉम निमोनिया पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन कैन ट्रांसमिट, बट इट इज वेरी प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। तो अब हमें पता चल गया है कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे ट्रांसमिट हो सकता है। सो अगर उससे हम बच जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन। मींस द पर्सन हु इज हैविंग निमोनिया व्हेन वांटेड टू स्नीज और व्हेन वांट टू कफ दे मस्ट टेक अ हैंकी फ्रंट ऑफ देम। सेकंड, दे मस्ट वेयर द मास्क सो दैट दे कैन प्रिवेंट यू कैन से ट्रांसमिशन ऑफ सम बैक्टीरियल वायरस एंड फंजाई टू द अदर पर्सन इन दिस सोसाइटी, यस। We should avoid the sharing of a clothes. We should avoid the sharing of a utensil. These are the method by which you can prevent it. Vaccination. Vaccination pneumonia में काफी effective है। अगर आप पहले से vaccinated कर लेते हो तो pneumonia के chances काफी सारे reduce हो जाते हैं। अब हम आते हैं basically treatment के ऊपर। So you can do the treatment. You can do the treatment of pneumonia by taking a three different antibiotic. Yes, one is benzyl penicillin chloramphenicol. You can take a benzyl penicillin, you can take a chloramphenicol. Amphicillin. So these are three antibiotic which can most probably work against Streptococcus pneumoniae bacteria as well as some viruses which are causing pneumonia. So this is about the pneumonia in a short but very effective and very important content. जो जो important content MCQ level में पूछे जा सकते हैं वो सब चीजें हमने discuss कर ली कि pneumonia कैसे होता है, किससे होता है और basically कौन कौन से parts उसमें affected हो जाते हैं, sign and symptom हमने detail में देखे, हमने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और सम अदर इंजरी भी बेसिकली देखी, हमने प्रिवेंशन देखा, स्प्रेड देखा और उसका प्रिवेंशन कैसा है वो देखा, ट्रांसमिशन देखा, हमने वैक्सीनेशन उसके बारे में देखे और फाइनली हमने ये तीन एंटीबायोटिक के बारे में देखा जो निमोनिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी तरह से कारगर होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक निमोनिया। काफ़ी कम टाइम में मैंने आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट समझा दिया। और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। शेयर आप दूसरों के लिए करते हैं लेकिन अपने खुद के लिए आपको बेल आइकन दबाना है। तो सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन दी है उसमें जब आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर वाला जो ऑल बटन आता है वहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।